वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। बात कर रहे हैं हम चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान की। चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां करवाई जा रही है, स्थायी भर्तियां सीफू के माध्यम से, एनएम भर्ती जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग के कगार पर पहुंच चुकी है। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर पोस्टिंग कब होगी, पोस्टिंग कैसे होगी, क्या होगी, कब मिलेगी। तो देखिए पॉसिबिलिटी यही है कि मे बी पॉसिबल 28th of October यानी कि मंडे तक आपकी पीओपी जारी होने की संभावना है। हम यही चाहते हैं, यही आशा करते हैं कि दीपावली से पहले सभी सिस्टर्स के घरों में अपार खुशियाँ मिले। तो आप लोग इस बारे में टेंशन ना ले। अब आपकी पीओपी हो ही जाएगी, यानी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको मिल नहीं है, सब कुछ हो चुका है, बस आप इंतजार करें, बहुत जल्दी आपको खुशियां मिलेगी। इसी बीच में जो जो डॉक्यूमेंटेशन का हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है आपको, वो डॉक्यूमेंटेशन जो जो पहले रिक्वायरमेंट जरूरत है वो बनवा ले, बाद में जब प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा उसके बाद के जो डॉक्यूमेंट है वो बाद में बनवा लीजिएगा। एक फाइल तो रेडी कर लीजिए आप लोग। आज एक वैकेंसी निकाला गया है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा। आप लोगों ने वैकेंसी नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर राजस्थान, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि स्पेशलिस्ट एमबीबीएस के लिए ये विज्ञप्ति निकाला गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 24 अक्टूबर का वैकेंसी निकाला गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी उदयपुर, ये उदयपुर के लिए निकाला गया है। एप्लीकेशन थ्रू वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। और जो सीएससी है वहाँ पे आपको तैनात किया जाएगा। एनएचएम के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें देखिए दो पदों के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है, गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक के लिए है। एमबीबीएस डिग्री दोनों के लिए एसेंशियल है, और बाकी एमएस ओबीसी और ये एनेस्थीसिया में आपके पास एमएस होना चाहिए, और पीजी डिप्लोमा आपके पास हो, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए दोनों के लिए। एक एक पद निकाले गए हैं सभी जगह के लिए। एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एक पद है सीएससी कोटड़ा में, 2,50,000 रुपये आपको मंथली होनोरियम यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी एक एक पद सीएससी बिंडर, सीएससी खेरवाड़ा, सीएससी कोटड़ा के अंदर है, 1,75,000 रुपये सीएससी बिंडर और बाकी 2,50,000 रुपये खेरवाड़ा और कोटड़ा में आपको मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए आपके जो ऑफलाइन होने वाले हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, जो भी डॉक्टर्स हैं आप लोग ऑफलाइन जो है आवेदन करें। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नहीं है, इसमें आप एक सादे कागज पर आप जनरल एप्लीकेशन लिख के आप आपके डॉक्यूमेंट के साथ इसको सबमिट करवा सकते हैं। 6 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट रखा गया, 6 बजे पहले पहले आप लोग 6 ग्यारह 2024 तक आपके जो है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। आप सबमिट करवाने के लिए आरसीएचओ ऑफिस स्वास्थ्य भवन बड़ी उदयपुर यहाँ पे आपको सबमिट करवाने रहेंगे। आप लोग ऑफलाइन किसी के भी थ्रू भिजवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप लोग खुद जाके जमा करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। इंटरव्यू डेट विल बी इंटीमेटेड ऑफ टू सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑन स्क्रूटनी ऑफ रिसीव एप्लीकेशन, आपको अलग से कॉल कर लिया जाएगा जब इंटरव्यू होगा। द पर्सन दीज पोजिशन आर ओनली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली, 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे लिया जाएगा। विल बी एक्सटेंडेड 31st March 2024, 31 मार्च 2024 निकल चुका है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, आई थिंक 31 मार्च 2025 तक आपको इसमें बढ़ाया जा सकता है। 3 महीने के लिए पहले लिया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें की जाएगी। ऑन अ पोजिशन रेगुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थेरेपिस्ट, ठीक है। बाकी चीज़ें पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, एनएचएम रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाला है। तो जो भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनके लिए वैकेंसी निकाला गया है। उदयपुर के लिए एक एक पद निकाले गए हैं, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन होने वाले हैं, आवेदन ऑफलाइन आप इस एड्रेस पर भिजवा सकते हैं। तो ये वैकेंसीज है उदयपुर के लिए, आप कोई भी डॉक्टर्स फिल कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि उदयपुर के ही डॉक्टर्स के लिए है, कहीं से भी कोई भी आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।